जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नया नया बढ़ रहा था तो मेरा मन में यह सवाल आता था कि इतना बाइबल पढ़ते हैं फिर भी पाप हो जाता है, आखिर कब मेरा आत्मिक उन्नति होगा। तो एक नया विश्वासी होने के नाते आपका मन में भी यह विचार आता होगा कि साल बीत गया, दो साल बीत गया, लेकिन मेरा आत्मिक उन्नति नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ में। हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि हमारा आत्मिक उन्नति हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आत्मिक जीवन का उन्नति से संबंधित कुछ सच्चाई है जो आपको जानना चाहिए, वो ये है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम एक नया जन्म पाते हैं, हमारा नया जन्म हो जाता है और हम लोग एक बालक अवस्था में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक जन्म पाया हुआ शिशु, एक बालक के जैसा। सो हम नया जन्म हुए, आत्मिक दूध का लालसा करते, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, लेकिन फिर पाप हो जाता है, गिल्टी फील होता, प्रभु जी माफ कर दीजिए हम कहते हैं, ओके। और फिर हम आगे उठते हैं, उसके बाद हम फिर देखते हैं कि थोड़ा सा जीवन चला, उसके बाद दोबारा फिर पाप हो गया। सो इसी तरीके से गिरना और उठना चलता रहता है, फिर दोबारा हम पाप करते हैं, फिर उठते हैं, और फिर उसके बाद हम कहते हैं प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए मैं पापी हूं। और कई बार हमारा जीवन इसी तरीके से गिरना उठना चलता रहता है, और यही सच्चाई है कि हम आत्मिक जीवन में इसी तरीके से बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि धर्मी जन चाहे सात बार गिरे तो भी वह उठ खड़ा होता है, हालेलुया। सो हम प्रभु में गिरते हैं, उठते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, और हम धीरे 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 बढ़ते जाते हैं, हमारा ग्राफ जो है धीरे धीरे ऊपर जाता है। आप भी अंश दर अंश प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाते हैं, और यह पवित्र आत्मा हमारा जीवन में करता है, ओके। धीरे धीरे हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाते हैं, परमेश्वर का चरित्र, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, आत्मसंयम, विश्वास, और फिर बहुत कुछ हमारा जीवन में आता जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह के समान उसके स्वभाव में धीरे धीरे अंश दर अंश बदलते जाते हैं, आत्मिक उन्नति हमारा होता रहता है, ओके। लेकिन फिर भी पाप होता है, बढ़ते जाते, लेकिन वो कम होता जाता है, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब हम मैच्योर, परिपक्व हो जाते हैं। जब हम परिपक्व हो जाते हम और अधिक दीन होते हैं, हम और अधिक परमेश्वर को महिमा देने लगते हैं अपने जीवन के द्वारा से, और परमेश्वर को महिमा देते हुए हम जीवन बिताते हैं। और एक समय ऐसा होता है कि हमारी शारीरिक मृत्यु हो जाती है, हमारा देह मिट्टी में मिल जाता है, हम प्रभु में सो जाते हैं, और हमें एक आशा है कि जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो हम जी उठेंगे, और उस समय हम प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्र देह पाया हुआ व्यक्ति हो जाएंगे, और परमेश्वर हमें महिमावान करेगा, आमीन, हालेलुया। सो एक दिन हम यीशु मसीह के समान होंगे जब वो दोबारा आएगा। तो मेरे प्रियो, हम आत्मिक जीवन का उन्नति में कुछ इस तरीके से बढ़ते जाते हैं, ये सबके साथ होता है, लेकिन बढ़ना जरूरी है। हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि हमारा आत्मिक उन्नति हो रहा है या नहीं हो रहा है।